जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए, ये उनकी नीड है, एयर चाहिए, वाटर चाहिए उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए। देखिए, ग्रोथ के लिए खाना पीना काफ़ी ज़रूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होता है कि उसको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव ऑन देयर ओन, दे कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। देखिए, जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या करेगा, मूव कर सकता है खुद से। जैसे कि एक अगर इंसेक्ट है तो लिविंग थिंग है तो वो खुद से मूव कर रहा है, वो सेंस कर सकता है, उसकी इंद्रियां सारी एक्टिव होती हैं, देख सकता है, सुन सकता है, ओके, फील कर सकता है। और रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, रिस्पॉन्स यानी उसके आजू बाजू में जो चेंजेस होगा उस चेंजेस के लिए वो प्रतिक्रिया दे सकता है। प्रतिक्रिया यानी वो रिस्पॉन्स करेगा उसके आजू बाजू में जो भी चेंजेस होते होंगे उसके अकॉर्डिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पर एक्सक्रीट एंड गेट रिप ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले सकती है, सांस बाहर छोड़ सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी खाया पिया उसने उसका वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल सकती है अपने बॉडी से। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स हैविंग डेफिनेट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई, दैट इज दे हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्स से बना हुआ होता है, वो सेल्स के पास एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, मतलब वो सेल्स की जिंदा रहने की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो उतने ही टाइम पीरियड तक जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो डाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। वेदर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या सारे धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो सब एक जैसे हैं? अगर हैं तो कैसे हैं और नहीं हैं तो कैसे हैं, इस बात को हमें जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन में। नो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे वेरी अमॉन्ग अदर्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर हैबिट सेल्स, जेनेटिक मेकअप, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्सेट्रा। हैंस दे आर क्लासिफाइड इंटू वेरियस क्लासेस ग्रुप्स बेस्ड ऑन द अबो कैटेगरीज। देखिए, धरती के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको हमने क्लासिफाई करके रखा है, उनको एक पर्टिकुलर क्लासेस में बांट के रखा है, जैसे कि वो डिफरेंट होगा अपने हैबिट सेल्स की वजह से, उसके जेनेटिक मेकअप के वजह से, उसके जीन्स के वजह से, उसके डीएनए में चेंजेस के वजह से, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस के वजह से, उसको खाना खाना, उसको पचाना, ये सारी प्रोसेस से वो अलग होगा। और ये इनको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे क्लासेस में, ग्रुप्स में, इस बेस के ऊपर कि उनका डीएनए कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, उनका हैबिटेट सेल कैसा है, इन सारी अब वो कैटेगरीज के ऊपर उनको क्लासिफाई किया है गया है। यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिमिलर, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दे हैव अ चेंजेस। नाउ एग्जाम्पल लीजिए, फिश लिव इन अ वाटर बट ह्यूमन लिव ऑन इन एयर एंड ऑन लैंड। देखिए, जो मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं, लेकिन जो इंसान है वो खुले हवा में जमीन पे रहता है। तो ये चेंजेस हैं, ये हैबिटेट चेंज हो गया। नाउ अमीबिया कंसिस्ट ऑफ वन सेल बट कैट एंड डॉग मेकअप मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। देखिए, जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन जैसे अगर हमारे पास कैट है, डॉग है, कोई भी एनिमल है, इवन ह्यूमन बीन है, मैमल्स हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल सेल्स के वजह से बने हुए होते हैं। तो ये जेनेटिक मेकअप का एग्जाम्पल हो गया ना। बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डीएनए, जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, बट एनिमल एंड प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर डीएनए। लेकिन इंसान और पौधों में हमें लीनियर एक स्ट्रेट लाइन डीएनए देखने के लिए मिलता है। तो ये जेनेटिक चेंज में आ गया।
तो गाइस इसी तरीके से धरती के सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट लिविंग वर्ल्ड का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मेमोराइज रखनी चाहिए। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ बायोटिक। अबायोटिक, व्हाट इज अबायोटिक, अबायोटिक क्या है? एन अबायोटिक फैक्टर इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम दैट शेप इट्स एनवायरमेंट। देखिए, जो अबायोटिक है ये एक नॉन लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का, जो हमारे एनवायरमेंट को उसके आज के प्रेजेंट शेप देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जाम्पल माइट इंक्लूड टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। इन मराइन इकोसिस्टम अबायोटिक फैक्टर विच इंक्लूड सेलेनिटी एंड ओशन करंट। देखिए, अगर मैं टेरेस्ट्रियल यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ का अबायोटिक फैक्टर्स को अगर मैं नोट डाउन करूँ तो वो होती हैं टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, रॉक्स, ये सब अबायोटिक फैक्टर हो जाएंगे टेरेस्टेड के लिए। लेकिन अगर मैं मराइन इकोसिस्टम की बात करूँ तो उसमें क्या अबायोटिक फैक्टर्स हैं? सेलेनिटी, पानी का खारापन, फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है, ओशियन करंट, ओशियन में कैसे करंट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अबायोटिक फैक्टर्स में हो जाएंगी मराइन के लिए। अब बायोटिक देखते हैं, वॉट इज अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक इज एंड डिफाइन एज एनी थिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए, जो बायोटिक फैक्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। एग्जाम्पल लीजिए लीजिए ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। प्लांट एंड एनिमल, फंगे एक्सेट्रा आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल देखिए, जो अबायोटिक के एग्जाम्पल हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल आ जाता है, जिसमें ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट, एनिमल, फंगाई, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? अ लिविंग बींग वंस प्रोड्यूस बॉर्न हैज टू सर्वाइव। अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो वो पहले प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा और फिर सर्वाइव करेगा। फॉर सर्वाइवल इट नीड एनर्जी एंड मैनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब उसको सर्वाइव करने के लिए ताकत चाहिए बहुत सारी, और केमिकल मॉलिक्यूल्स का केमिकल रिएक्शन होता है उनकी बॉडी में। फॉर एनर्जी इट हैज टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। अब ताकत लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म में देखिए होता क्या है, मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज केटाबॉलिज्म एंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स दैट इज एनाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि पहले वो जब कुछ खाएगा तो वो उसके बॉडी में पहले वो टूटेगा। हाँ, इस टूटने ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जो उसने खाया है उसको तोड़ के उसने एक कंपाउंड बनाया है, उससे वो नए टाइप के मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, यानी मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स दैट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और एनाबॉलिज्म में मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। सेकेंड थिंग, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पैदा होने के बाद से ही जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, डेवलपमेंट करेगा। दिस ग्रोथ वेल ऑर्केस्ट्रेट प्रोसेस होता है, यानी वेल अरेंज्ड प्रोसेस होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सैंड मॉन्स बिल्डर्स ग्रो एक्सेट्रा। आपने देखा होगा सैंड मॉन्स और कैसे बिल्डर्स ग्रो होती हैं एक्सेट्रा। दिस ग्रो इज नॉट फ्रॉम विद इन एंड हेंस दिस
आर नॉट लिविंग बींग्स. अब देखिए, जो ग्रोथ किसी के अंदर नहीं होगा तो वो लिविंग बींग नहीं होगा. क्या होता है, बर्थ के बाद से ही जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट में लग जाता है. ये एक जो ग्रोथ है ये एक वेल अरेंज प्रोसेस है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से ही वो ग्रो करना शुरू कर देता है, बड़ा होने लगता है. अगर ये ग्रो की प्रोसेस किसी में नहीं होती तो उसे लिविंग बींग कंसिडर नहीं किया जा सकता. नो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज नॉट द प्रोसेस विच हैज लिमिटेड टाइम स्पैन. देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम द मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म सिस्टम बींग लॉस देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड. देखिए, ग्रोथ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये पैदा होने से लेके मरने तक काम करते रहता है, कहीं स्लो हो जाता है और जब ये बंद हो जाता है तो इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है. ओके, दिस एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, इसे ही कहते हैं एजिंग प्रोसेस, यानी बढ़ने की प्रक्रिया, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कहते हैं बॉडी की. लाइफ हैज टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इट सेल्फ. देखिए, लाइफ कंटिन्यू होना चाहिए, इसके लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो एक यंग वन, यानी अब वो तो ग्रोथ के साथ वो धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, तो वो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अपने ही जैसे को जन्म देता है. इट इज पॉसिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल. देखिए, ये पॉसिबल कब हो पाता है, रिप्रोडक्शन की मदद से. हाँ, अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के हो गए, या तो वो सेक्सुअल होगा या तो वो असेक्सुअल होगा. दिस अनश्योर कंटिन्यूस ऑफ द रेस, इसी के वजह से ये जो लाइफ की रेस है ये लगातार चलते रहती है. मोल्स ऑफ अ स्टेराइल वर्कर बीस डू नॉट रिप्रोड्यूस. देखिए, ये मोल्स एक स्टेरिली वर्कर बीस होती हैं, ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं करती, येट आर लिविंग, लेकिन वो फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कंसिडर किया जाता है. कैन यू कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लाइफ, क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक इंक्लूसिव कैरेक्टर है लाइफ का. चलिए आगे बढ़ते हैं. एज द बॉडी लॉसेस इज कैपेसिटी टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म, द ऑर्गेनिज्म डाइज. अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है तो वो डेथ, उसकी डेथ हो जाती है. एनी लिविंग बींग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग. जो भी लिविंग थिंग है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. जो भी उसके आजू बाजू में टेम्परेचर का चेंज होगा, कोई केमिकल का चेंज होगा या कोई बायोलॉजिकल चेंज होगा, तो वो अपने सराउंडिंग में रिस्पॉन्स करेगा. दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बींग, ये जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी ये जो थर्मल केमिकल बायोलॉजिक चेंजेस को हाँ सेंस करके उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग बींग की. अभी एक रोबोट ऐसा नहीं कर सकता. ओके, नाउ ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, तो आप इसे राइट डाउन करके ले लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. कैन यू टेल हाउ कैन वी स्टडी लार्ज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ ग्लैंस, कैसे हम स्टडी कर सकते हैं लार्ज ऑर्गेनिज्म को ग्लैंस की मदद से. नो, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर द जनरल आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंट स्पीसीज विच हेल्प अ लॉट अबाउट द स्टडी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज और टू रिमेंबर यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ माइंड मैप. देखिए, ये जो टॉक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन है इसका इस्तेमाल होता है जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिफरेंट स्पीशीज के बारे में पढ़ने के लिए, जो हमें बहुत मदद करती है अलग अलग बायोलॉजिस्ट के स्पीशीज के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और हमें
रिमेंबर याद रखने के लिए, हमारा एक माइंड मैप बनाने के लिए, यानी ये टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होती है अपने दिमाग में एक नक्शा बनाने के लिए कि कौन सा स्पीशीज कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कौन से बायोलॉजिकल कंडीशंस में जिंदा रह सकता है एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें टॉक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की मदद से पता चलेगा ना। अब ये जो माइंड मैप है, इसका मतलब है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना अबाउट द लार्ज आइडियाज। अभी एक अगर इंसान का बॉडी ले लीजिए, अगर उसके पास ये माइंड मैप नहीं होगा तो इंसान का बॉडी एक बनाना काफ़ी डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। वेदर ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्या धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं? ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ऑन फूड, देखिए ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप में प्लांट्स आते हैं, कुछ प्रोटिस्ट और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। हेटरोट्रॉप्स इंक्लूड एनिमल, फंगी एंड बैक्टीरिया। देखिए जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इनके बॉडी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जिसके वजह से वो खाना बना सकें। इनको जो एनर्जी है वो हमेशा बाहर से ही लेना पड़ता है, यानी वो कुछ खा के ही अपने बॉडी के अंदर एनर्जी बना सकते हैं। हेटरोट्रॉप्स में एनिमल्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, फंगी और बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। विच फीचर्स कैन बी कंसीडर एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ एंड वाई, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लाइफ कह सकते हैं और क्यों? इन ऑर्डर टू बी कंसीडर लिविंग एज एन ऑर्गेनिज्म मस्ट मीट ऑल 8 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। देखिए अगर मुझे किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करना है तो उसे ये 8 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। पहला, वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब पेरेंट से उसका डॉटर सेल बनना चाहिए। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करना चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना चाहिए। होम्योस्टेटिक्स होना चाहिए, हेरिडिटी होनी चाहिए उसके अंदर। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय, उस स्टिमुलाय को रिस्पॉन्स करना चाहिए, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। एडेप्टेशन थ्रू इवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजह से उसके अंदर अडेप्टेशन होना चाहिए। तो ये 8 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ बन जाती हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 8 कैरेक्टर्स होना काफ़ी ज़रूरी है, इसे भी आप राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब कॉल्ड इन अ वीटो टेस्ट बी कॉल्ड लिविंग? देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को किसी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ, जैसे हम वीटो टेस्ट कहें, और अगर हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे या लिविंग थिंग कंसीडर करेंगे? चलिए आंसर देखते हैं। इन विटो टेस्ट, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये विटो टेस्ट क्या होता है। इन विटो टेस्ट सिंपल मीन्स इन अ ग्लास, मीनिंग दिस टेस्ट आर टिपिकली कंडक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब। विटो टेस्ट में क्या होता है, विटो का मतलब है यहां पे सिंपली ग्लास, ग्लास टेस्ट होता है ये जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जाता है
इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, जो ग्लास टेस्ट ट्यूब होती हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। देखिए, ये आइसोलेटेड जो मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ना ही मैं उसे लिविंग बोल सकता हूँ और ना ही मैं उसे नॉन लिविंग थिंग बोल सकता हूँ। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइंड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ वीटो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर रेदर जस्ट लिविंग रिएक्शन। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है जिसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही है। हाँ, इसके बिना, विदाउट एक्सेप्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ वीटो टेस्ट आर नॉट लिविंग थिंग। अब अगर मैं इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सेप्शनली आइसोलेट करके कर रहा हूँ किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर कर रहा हूँ, तो वो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किया वो एक लिविंग रिएक्शन होगा। मींस मेटाबॉलिक टेस्ट इन अ ग्लास ट्यूब इज टाइप ऑफ अ लिविंग रिएक्शन, वो एक प्रकार का लिविंग रिएक्शन होगा। नाउअडेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर ब्रेन डेथ एंड आर ऑन अ लाइफ सपोर्ट, दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए, अगर कोई कोमा में चला जाए, किसी का ब्रेन डेथ हो जाए, हाँ, और उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाए, तो उसके पास खुद का कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस ना हो, तो ऐसे चीजों को क्या हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। लिविंग वेजिटेबल बायोलॉजिकल वेरिएबल अनकॉन्शियस स्टेट। देखिए, लिविंग अगर मैं देखूं तो जो सब्जियां होती हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, ये एक बायोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं जिनके पास ये अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। ये लिविंग होते हैं लेकिन इनका खुद का कोई कॉन्शियस स्टेट नहीं होता। सेकेंड थिंग, नाउ डेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर ब्रेन डेड एंड आर ऑन अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट शो एनी सेल्फ कॉन्शियसनेस बट दे आर लिविंग। अभी कोई पेशेंट अगर कोमा में चला जाए, उसका दिमाग डेथ हो जाए, उसके ब्रेन की डेथ हो जाए, लेकिन वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा है और कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं शो कर रहा है, तो भी हम उसे लिविंग ही कंसीडर करेंगे। दे आर कंसिडर लिविंग बिकॉज देयर हार्ट इज स्टील इन अ फंक्शन। अब उनका ब्रेन तो डेथ हो गया है लेकिन उनका जो हार्ट है वो लगातार काम कर रहा है, तो जब तक ये हार्ट काम कर रहा है तब तक हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। दिस स्टेट इज नोन एज वेजिटेबल स्टेट बिकॉज बॉडी इज बायोलॉजिकल वेरिएबल। इस स्टेट को हम वेजिटेबल स्टेट कहते हैं क्योंकि जो बॉडी है वो बायोलॉजिकली वेरिएबल होती है। बट दे कैन नॉट ब्रीथ बाय देम सेल्फ एंड नीड अ मशीन सपोर्ट। लेकिन वो खुद से सांस नहीं ले सकते, उनको मशीन सपोर्ट देना पड़ता है। ओके गाइस, आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है चलिए देखते हैं। अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रिजर्व प्लांट्स स्पेसिमेन एंड एसोसिएटेड डेटा यूज फॉर अ साइंटिफिक स्टडी। देखिए, हर्बेरियम में क्या होता है कि हर्बेरियम कलेक्शन करता है प्रिजर्व प्लांट्स स्पेसिमेन को, यानी बचे हुए प्लांट के नमूनों को, और उनसे
जो डेटा है वो एसोसिएट करता है, उससे जुड़े हुए डेटास कलेक्ट करता है। ये डेटास आगे जाके साइंटिफिक स्टडीज में यूज होती हैं। द वर्ल्ड हर्बेरियम प्यूरल हर्बेरिया आर कॉइंड बाय द पीटॉन डी टॉरेनफोर्ट इन द बुक एलेमिंग्स। ये जो वर्ल्ड हर्बेरियम आया है इसका प्यूरल हर्बेरिया है, इसे पहली बार पीटॉन डी टॉरेनफोर्ट ने अपनी बुक एलेमिंग्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड हर्बेरियम को। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटली टॉक्सोनॉमिस्ट लुका जीनी इन 1419 टू 1556। देखिए जो ये हर्बेरियम का आर्ट है, यानी किसी प्लांट के स्पेसिमिन को रखना, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, ये पहली बार शुरू हुआ था इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट में, इटली में शुरू हुआ था, जिनको शुरू किया था लुका घिनी ने। उनका जो लाइफ साइकिल था वो 1419 से 1556 तक था। अब देखिए ये जो हर्बेरियम है, हमारे हिंदू संस्कृत में भी हर्बेरियम वर्ड से नहीं लेकिन प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखा जाता था। ओके नाउ हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल इन अ टॉक्सोनॉमिक स्टडी। हर्बेरिया टॉक्सोनॉमिक स्टडी में काफी इफेक्टिव टूल है। हर्बेरियम इज एशियंटली अ ड्राई प्लांट स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व। देखिए हर्बेरियम में क्या होता है, सूखे हुए प्लांट्स के नमूनों को प्रिजर्व बचा के रखा जाता है। ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन अ स्टैंड साइड शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। उसे एक शीट पे माउंटेन करके रखा जाता है, उसके साइज के हिसाब की शीट होती है ताकि वो बचा रहे, खराब ना हो जल्दी। डेट प्लेस और कलेक्शन अलोंग विद द डिटेल्स क्लासिफिकेशन एंड हाइलाइटिंग विथ इट्स इकोलॉजिकल पर्सुलेरिथिस कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ सेम शीट। उसमें डेट प्लेस कब कलेक्ट किया गया था उसे, उसका डिटेल क्लासिफिकेशन और हाइलाइटिंग इकोलॉजिकल प्रिक्यूलियरिस्टिक यानी उसके इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, उस प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये रिकॉर्ड करके एक शीट में रखा जाता है हर्बेरियम में। लोकल नेम एंड नेम ऑफ द कलेक्टर्स मे बी एडेड। उसका लोकल नेम यानी जो रह जिस जगह पे वो पाया जाता है वहाँ के लोग उसे जिस नाम से बुलाते हैं उसका कलेक्टर नेम भी उसमें ऐड किया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट अ लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट। जो ये शीट बनाते हैं डेटा कलेक्टेड शीट, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन उसके राइट कॉर्नर पे लिखी हुई होती है और उसे हम लेबल कहते हैं। लेबल में अबाउट द प्लांट, उसके लोकल नेम के बारे में, डेट प्लेस कलेक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने एक इमेज से समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन राइट कॉर्नर में लिखी हुई है, वैसे ही इन सारे प्लांट्स और स्पेसिमेन के बारे में इनके राइट कॉर्नर्स में लिखा हुआ होता है, जिनमें उन प्लांट का एक स्पेसिमेन यानी प्लांट का नमूना होता है, डेट होता है, प्लेस होता है, उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, उसका इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, उसका लोकल नेम भी मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हर्बेरियम में होती है गाइस। यही है हर्बेरियम शीट, ये जो शीट आप देख रहे हो ये है हर्बेरियम शीट अबाउट दिस प्लांट। ऐसे ही ये सारे प्लांट्स का हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यही है हर्बेरियम। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे बोटैनिकल गार्डन्स। क्या है बोटैनिकल गार्डन? बोटैनिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर द प्लांट्स ऑफ अ डिफरेंट वराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्रोन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक इन अ वीबो मैनर। देखिए, बोटैनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो प्लांट्स होता है अलग अलग वैरायटी के, जिसे वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों से लाया जाता है, उनमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसको सिस्टमेटिक वीबो मैनर में अरेंज करके रखा जाता है। प्लांट आर लेबल्ड, वो जो प्लांट्स हैं उन पे लेबल लगाए जाते हैं। लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज द कॉमन नेम ऑफ प्लांट, और जो लेबल उस प्लांट के ऊपर लगाया जाता है उसमें उसका साइंटिफिक नेम और उसका कॉमन नेम मेंशन किया जाता है। ये देखिए, ये है एक बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन इन कोलकाता, 255 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री। देखिए, ये कोलकाता में एक बोटैनिकल गार्डन है जिसमें 255 साल पुराना बनियान ट्री है। नो द साइंटिस्ट, क्या आप जानते हैं? ये साइंटिस्ट इन्होंने, ये है प्रोफेसर लुका घिनी, जो 1490 से 1556 तक जिन्होंने काम किया। इन्होंने 1543 में फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन को स्टैब्लिश किया था। पहला बोटेनिकल गार्डन इन्होंने स्टैब्लिश किया था बाय इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी, एडी 1419 to 1556 एट पिसा इटैली। पिसा इटैली में इन्होंने 1543 में एक बोटेनिकल गार्डन, दुनिया का पहला बोटेनिकल गार्डन बनाया था, जिसमें हर प्लांट के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम और उसका कॉमन नेम लिखा हुआ रहता था। बोटेनिकल गार्डन एट की इन इंग्लैंड इज नोन फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर देन 30,000 स्पेसिमेंस प्रिजर्व प्लांट्स एंड मोर देन 7 मिलियन हर्बेरिया। देखिए, ये जो बोटेनिकल गार्डन है, ये क्यू इन इंग्लैंड में क्यू करके बोटेनिकल गार्डन है, जिसे लार्जेस्ट कलेक्शन, इस बोटेनिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है प्लांट स्पेसिमेंट्स की, जिसमें 30,000 प्रिजर्व प्लांट्स हैं और 7 मिलियन से भी ज़्यादा हर्बेरिया वाले प्लांट्स हैं। यानी इस बोटेनिकल गार्डन में आपको लगभग दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इस बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए? बायोडायवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ द वेरिएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स इन ए इकोसिस्टम। देखिए, ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये वेरिएशन है जो लाइफ फॉर्म हो रही है इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर आपको लाइफ मिलेगी और अलग अलग वैरायटीज की लाइफ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बायोडायवर्सिटी इज इसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, यानी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए बायोडायवर्सिटी काफी जरूरी है। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ अ बायोडायवर्सिटी कैन बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो डेंसिटी होती है, हाँ, बायोडायवर्सिटी की, इससे पता चलता है कि उस जगह का बायोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। अभी जितना ज़्यादा हिस्ट फुस्ट
यानी भरा पूरा इकोसिस्टम होगा, उससे पता चलेगा कि यहाँ का इकोसिस्टम काफी हेल्थी है। लेकिन आज के डेट में लोगों ने इकोसिस्टम को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एट एन अलार्मिंग रेट। देखिए, ये जो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और रिसोर्सेस का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इससे बायोडायवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये एक खतरे की चेतावनी की तरह बायोडायवर्सिटी को खराब कर रहा है। ये खतरे की चेतावनी है कि अब हमें बायोडायवर्सिटी को या हमारे इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द अटेम्प्टिंग अ स्लो डाउन, स्टॉप और इवन रिवर्स द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखिए, कंजर्वेशन की मदद से यानी बचाने की, अगर हम किसी चीज़ को कंजर्व करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, तो उसका जो डैमेज है वो स्लो डाउन हो जाएगा, कम वो खराब होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसका जो खराब होने का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। यानी इकोसिस्टम को अगर हम नुकसान पहुंचाना बंद कर दें तो वो अपने आप ही खुद को हील करने लगेगी। इन शॉर्ट, नेचुरल हैबिटेट लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब कम हो जाएगा, फिर बायोडायवर्सिटी बढ़ने लगेगी और इकोसिस्टम का हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अगर इकोसिस्टम हेल्थी रहेगा तो ही फ्यूचर में सर्वाइव करना पॉसिबल हो पाएगा। इज द नो इन इन सिटू कंजर्वेशन, व्हाई डज द लॉस ऑफ द बायोसिटी मैटर। देखिए, इन साइट कंजर्वेशन में अगर मैं देखूँ, इन सिटू कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, हम उसे जानते हैं, और बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर बायोडायवर्सिटी नहीं होगी तो जो फूड साइकिल है, चैन साइकिल है, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फूड साइकिल में से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करना बंद कर दे तो पूरा का पूरा फूड साइकिल खराब हो जाएगा, जैसे पूरा इकोसिस्टम वहाँ का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। फॉर मैनी पीपल्स इट इज़ अ सिंपल मोरल और इथिकल इशू। कुछ लोगों के लिए ये मोरल और इथिकल इश्यूज हैं कि इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। वाई शेयर अवर प्लैनेट विद अ ह्यूज रेंज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव नो राइट टू हार्म देम। देखिए, ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्यों हम हमारे प्लैनेट को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करें, और हमारे पास ऐसा हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को मारें या उनको उनके पूरे प्रजाति को ख़त्म कर दें। ओके, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें बचा के रखें। देखिए, धरती पे सिर्फ इंसानों का राज नहीं है, इंसान तो सबसे बाद में आया है धरती पे, उससे पहले ये इंसेक्ट, प्लांट, प्लांट्स, यही सारी चीज़ें धरती पे पाई जाती थी। ओके, कुछ 2 लाख साल पहले ही इंसान का अस्तित्व रिकॉर्ड है हिस्ट्रीज में, कि कुछ 2 लाख साल से ही इंसान धरती पे है। लेकिन उससे करोड़ों साल पहले से ही जो प्लांट्स हैं, जो इकोसिस्टम है, वो बना हुआ है। बायोडायवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन ए इकोसिस्टम। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बायोडायवर्सिटी मेंटेन रखती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। लॉस ऑफ डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम। अगर लॉस हो गई बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की, तो इस चीज़ का प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी उसी इकोसिस्टम में रहता है। तो हमें प्लांट्स को काटना बंद करना चाहिए, जिसके वजह से वो हमारे इकोसिस्टम को बचा के रखें। ये इकोसिस्टम रहेगा तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी। अब हमने यहाँ पे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का रिप्रेजेंट किया है।
इनवर्टिब्रेट्स, यह है इनवर्टिब्रेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या होती है इंसेक्ट्स की। उसके बाद होता है अदर एनिमल ग्रुप्स का, फिर होता है मॉलिस्क्स का, और लास्ट में होता है क्रस्टेशियंस का। नाउ उसके बाद हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स को, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कवर किया है फिश ने। उसके बाद आता है बर्ड्स, फिर आते हैं रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स आते हैं, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आता है एम्फीबियंस। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये अबाउट द प्लांट्स हैं। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है फंगी की, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स का, और उसके बाद फिर सबकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, जैसे कि उसके बाद है अलगाए, अलगाए के बाद आते हैं फर्म्स एंड एलिन्स, फिर मॉसेस आते हैं, और फिन लिचेंस आते हैं। तो ये है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो डायवर्सिटी होती है, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूजियम। म्यूजियम आर द प्लेस वेयर द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर किप्ट। देखिए, म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे कलेक्शन करके रखा जाता है प्लांट और एनिमल्स के नमूनों को। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, जो प्लांट और एनिमल के नमूने होते हैं, मे बी प्रेजेंट इन अ फॉर्मलिन 10-40% फॉर्मल्डिहाइड इन ट्रांसपेरेंट जार्स। इनमें जो प्लांट और एनिमल्स को फॉर्मलिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है, फॉर्मलिन, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है 10-40%, और इसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखा जाता है देखने के लिए, स्टडी पर्पस के लिए। जार आर लेबल्ड। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। देखिए, जार के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है। अगर कोई बड़ा एनिमल या बर्ड है या कोई मैमल्स है, तो उसे स्टफाइड किया जाता है। स्टफाइड यानी उसका जो मरने के बाद उसके जो आउटर बॉडी का जो स्किन है, बॉडी का जो स्किन होता है, वो आउटर बॉडी लेयर, उसको सुखा के उसके अंदर कापूस भर के उसे ऐसे रखा जाता है जैसे कि आप उसे देखेंगे तो वो एकदम ओरिजिनल लगेगा। ओके, उसे स्टिफिंग कहते हैं, या स्टेफाइड यानी उसका पुतला बना के रखा जाता है उसके ओरिजिनल स्किन कवर के साथ। दिस साइंस इज नोन एज द टेक्सीडर्मी। इस जो स्टेफाइड और प्रिजर्व्ड प्रोसेस है, इसको टेक्सीडर्मी बोला जाता है। स्पेसिमेन इज ड्राइड फ्रॉम एंड ऑल्सो कीप्ड इन अ म्यूजियम। क्या होता है, कई बार नमूनों को सुखा के और म्यूजियम में रख दिया जाता है। वी कैन इवन फाइंड द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ अ सेल्स स्केलेटन ऑफ एनिमल इंसेक्ट बोन्स इन अ म्यूजियम। अगर आप म्यूजियम कभी विजिट करोगे, विजिट करना ही चाहिए, म्यूजियम को विजिट करने के बाद आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, एनिमल्स के स्केलेटन होते हैं, इंसेक्ट बॉक्स होता है म्यूजियम के अंदर, ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। दोज बायोलॉजिकल म्यूजियम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर रेफरेंस हब्स ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। देखिए, ये जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये ऐसे हब्स होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की जाती है, बताई जाती है। देखिए, ये बायोलॉजिकल म्यूजियम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राइनोस है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स को रखा है, यहाँ पे अलग अलग स्पेसिमेंस को ममीफाइड करके रखा गया है। ओके, यहाँ पे भी देखिए, इसे स्टेफाइड करके रखा गया है, मतलब
इस टाइगर के खोल को, यानी इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसका जो स्किन है, उस स्किन को निकाल के अच्छे से सुखा के उसके अंदर काफूस भर के इसे ऐसा रखा गया है कि ये आपको देखने में पूरी तरीके से ओरिजिनल लगेगा। ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस इन सारे एनिमल्स के साथ किया गया है। ये स्टडी पर्पस के लिए होता है गाइस, तो आप एक बार म्यूजियम जरूर विजिट करें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल पार्क। ये जो जूलॉजिकल पार्क होता है, इसे जनरली बोला जाता है जू, एट अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ कॉमन मैन। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आम आदमियों का जाना काफ़ी एक कॉमन बात होती है, कॉमन मैन को वहाँ पे जाना चाहिए। जाते ही हैं लोग जू को विजिट करने के लिए। आप भी कभी न कभी जू गए होंगे। इन जू वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन अ कैविटी। देखिए जू के अंदर क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें कैविटीज में या केव्स में पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। दे आर प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन टू प्रोवाइड कंडीशंस। देखिए उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनका पूरा देखभाल किया जाता है। उनको ऐसा रखा जाता है कि उनको फील होना चाहिए कि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में ही हैं, यानी नेचुरल हैबिटेट में ही हैं। इक्सुटू यानी नेचुरल हैबिटेट। इन अ जू अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल। देखिए जू के अंदर स्टडी करने के लिए मिलता है कि किस एनिमल का फूड क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है उस एनिमल का, और वो कैसे वातावरण में रहता है। फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर द सम अदर टूल्स टू मेंटेन बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड। देखिए जैसे फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ ऑक्योरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ टाइम। देखिए फ्लोरा में क्या होता है, एक प्लांट लाइफ को प्लांट लाइफ की स्टडी की जाती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। अमोनोग्राफ डिस्क्राइब्ड अबाउट एन वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप वेयर एन मैनुअल प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मोनोग्राफ्स हमें सिलेक्टिव बायोलॉजिकल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है। ये एक मैनुअल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो हमें ये बताता है कि ये प्लांट या ये एनिमल किस एरिया में मिलता है, इसका रहन सहन कैसा है, ये कैसे दुनिया देखता है। देखिए ये है एक जूलॉजिकल पार्क, ये भी है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एनिमल्स के भी बर्ड्स बने। गाइस आपको जू और म्यूजियम एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे राइट डाउन कर लें। ओके नाउ कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो व्हाट आर द इशेंटियल ऑफ अ गुड हर्बेरियम। क्या जरूरी है गुड हर्बेरियम के लिए। हर्बेरियम इज अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमिन दैट आर प्रेस ट्रीटेड एंड माउंटेन ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। देखिए हर्बेरियम में क्या होता है, जो ड्राइड प्लांट्स होते हैं उनको स्ट्रांगली प्रेस करके दबा के उनको माउंटेन यानी एक स्टैंडर्ड साइज के शीट के ऊपर रख के प्रिजर्व किया जाता है। स्टैंडर्ड यानी नोन साइज के शीट के ऊपर रख के उसको प्रिजर्व करते हैं। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ अ ड्राइड प्रेस्ड एंड लेबल प्लांट स्पेसिमिन। देखिए जो हर्बेरियम है वो सूखा हुआ प्रेस किया हुआ और उसके ऊपर लेबल लगाया हुआ नमूना होता है। अरेंज्ड बाय बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम।
जिसको अरेंज किया जाता है एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की मदद से। एन एसेंशियल ऑफ अ गुड हर्बेरियम आर एज फॉलो। अब एक गुड हर्बेरियम के लिए क्या क्या चाहिए यह हमें फॉलो करना है, यह अभी हम करेंगे फॉलो। इट इज एन एसेंशियल टू आइडेंटिफाई एंड लेबल द कलेक्टेड स्पेसिमेन करेक्टली। देखिए ये बहुत जरूरी है, अगर आपको कोई नया स्पेसिमेन मिल रहा है तो पहले आप, ये बहुत जरूरी है कि आप उसे लेबल लगाएं और आप उसके स्पेसिमेन, उस नमूने का सही से पता लगाएं, करेक्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में दें। यह होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ अ गुड हर्बेरियम। नाउ सम स्पेसिमेन शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। कुछ ऐसे स्पेसिमेन होता है जिनको सूखी जगह पे रखने पे ही वो बचे हुए रहते हैं। द प्लांट्स आर यूजली प्रेस्ड एंड माउंट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर नोइंग एज हर्बेरियम शीट। देखिए क्या होता है, ये जो प्लांट यूजली इस प्रोसेस में होते हैं उनको माउंटेन किया जाता है एक पेपर के ऊपर, इस पेपर को ही हर्बेरियम शीट कहते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग और माउंटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सुटेबल नहीं होते कि उनका किया क्या जाए, उनको प्रेसिंग या माउंट किया जाए। हाँ, लाइक सक्सेलेंट सी इन वंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें सक्सेलेंट सी ये एक बार होनी चाहिए एटलीस्ट। दे नीड टू बी प्रेजेंट इन अ सुटेबल लिक्विड लाइक फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है एक सुटेबल लिक्विड में जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं एक्सेट्रा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इन सारी चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। In order to preserve the specimen for a long duration, अगर आपको किसी specimen को long duration तक यानी लंबे समय तक बचा के रखना है, duration acid free paper, तो ये जो duration है longer duration में, और ये जो acid free paper होता है ये special glue होता है and ink होता है, must be mount the specimen does not deteriorate। देखिए अगर मुझे बचा के रखना है किसी स्पेसिमेन को लंबे समय तक एसिड फ्री पेपर यानी स्पेशल ग्लू इंक ये सब बनाने का काम आएगा। इंक मस्ट बी यूज टू माउंटेन। अभी देखिए ये जो इंक की मदद से आप हेल्प कर सकते हो, उसके ऊपर लिख सकते हो कि दिस इज डज नॉट फॉर डेटोरिएट। In order to preserve the specimen, the amount of a specimen does not deteriorate. Four men accept to making the good herbarium specimen. चार मेन स्पीशियस हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम गुड हर्बेरियम में मानते हैं। पहला कलेक्शन प्लांट्स का, पहले प्रॉपर प्लांट्स को देख के समझ के उसको कलेक्ट करना, प्रेसिंग एंड प्रिजर्विंग, उसे दबा के पतला करके उसको प्रेस करके उसको प्रिजर्व करके रखना होता है, माउंटिंग, उसके बाद उसको विटो पेपर के ऊपर प्रेस करके लगा के रखना पड़ेगा, लेबलिंग करके रखना पड़ेगा। तो दिस इज द फोर मेन एक्सेप्ट फॉर द गुड हर्बेरियम स्पेसिमेन। वीडियो को पॉज करके गाइज ये इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी विजिट बोटैनिकल गार्डन म्यूजियम एंड जू। अब हमें बोटैनिकल गार्डन म्यूजियम जू यहाँ पे क्यों जाना चाहिए, क्यों यहाँ पे विजिट करना चाहिए। बोटैनिकल गार्डन म्यूजियम जू आर द टैक्सोनॉमिकल एड्स एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ बेटर वे। देखिए बोटैनिकल गार्डन म्यूजियम और जू जाने से हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी
हम अच्छे से समझ पाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये एक टॉक्सोनॉमिकल स्टडी होती है, डेटा होता है जिसको हम समझ के उस ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। सेकेंड थिंग, वी शुड विजिट दिस प्लेस बिकॉज अ बॉटेनिकल गार्डन इज डेडिकेटेड टू द कलेक्शन, कल्टिवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ द लेबल्ड विद देयर बॉटेनिकल नेम। देखिए, हमें बॉटेनिकल गार्डन इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मात्रा में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, हाँ, जिनमें उनका कल्टीवेशन होता है, नॉट कल्टीवेशन, हाँ, उनमें उनका प्रिजर्वेशन होता है, कलेक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, उनको डिस्प्ले करके रखा जाता है, वाइड रेंज में उसके ऊपर लेबल लगाए होते हैं, उन उस प्लांट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमें स्टडी पर्पस के लिए तो डेफिनेटली जाना ही चाहिए बॉटेनिकल गार्डन। व्हाट इज द एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन? अब ये जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। इन सीटू कंजर्वेशन, अब देखिए जो इन सीटू कंजर्वेशन हो उसमें होता है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कंजर्वेशन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं उस बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो इसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशन एंड हेल्पिंग देम टू डेवलप एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स। देखिए, अब जब मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही बचा लूंगा, प्रिजर्व कर लूंगा, तो मैं मदद करूंगा उसके पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके जो फीचर्स हैं उसको प्रॉपरली डेवलप होने के लिए, डिस्टिंक्टिव फीचर्स को डेवलप होने के लिए। एग्जाम्पल, नेचुरल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये एग्जाम्पल्स हैं इन सीटू कंजर्वेशन के। नेचुरल पार्क हो गए, बायोस्फीयर्स हो गए, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, यहाँ पे हम उन प्लांट्स और उन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचा के और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ अ सिलेक्टेड रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आउटसाइड देयर हैबिटेट। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम प्लांट और एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के जू या जू जैसी जगहों पे उनको बचा के रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशन इन अदर टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन। अब इसलिए उनको अलग से रखा जाता है ताकि हम उनके पॉपुलेशन को बढ़ा सके, उनके पूरी प्रजाति को ग्रो करने में हेल्प कर सकें, उनके उनको एक्सटिंक्शन से यानी लुप्त होने से बचा सकें, इसलिए हम उन्हें बाहर जू में लाके रखते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं बॉटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, सफारीज। यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, यहाँ पे हम ऐसे प्लांट और एनिमल्स को लाके रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनको अगेन ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देखिए, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और इन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता है। ओके, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें नेचुरल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है, ओके, स्कैड ग्रोव्स, स्कैड लेक्स होते हैं, कुएं तालाब भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब देखिए, जो बायोस्फीयर में, अब ये एक टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक मराइन भी होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स को बचाना, और मराइन यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को बचाना। एक्स सीटू, इसमें बॉटेनिकल गार्डन, एबोरेटा, जियोलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया आ जाता है।
और सेकंड थिंग आता है इसमें सीड बैंक्स, फील्ड जेम्स बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इसमें, स्क्रेड प्लांट्स होते हैं, होम गार्डनिंग होता है, ये सब एक्सीटू कंजर्वेशन में होता है। यानी अगर आप अपने घर में ही एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं तो वो छोटा सा गार्डन एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स में आ जाएगा। कैसे, काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करके ले लें। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी पार्क। अब ये बायोडायवर्सिटी पार्क क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबल्ड ऑफ अ स्पीशीज दैट आर फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी और डिग्रेडेड बैरन। देखिए ये एक इकोलॉजिकल असेंबली होती है स्पेसिमेन की, नमूनों का, जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज होती हैं, खुद से चलने वाली कम्युनिटीज होती हैं, डिग्रेडेड होते हैं, बैरेंस होते हैं। लैंडस्केप दैट इज लेट उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क घुरेघर महाबलेश्वर। देखिए घुरेघर महाबलेश्वर में एक उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क है, ये उसका लैंडस्केप है ना। दिस पार्क इज बेस्ट मेटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज इन अ अर्बन लैंडस्केप। देखिए ये जो पार्क है ये एक बेस्ट मॉडल है जिसमें कंजर्वेशन होता है नेचुरल हेरिटेज का अर्बन लैंडस्केप में। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन। एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो ये मेरी मदद करेगा उनको इंटर रिलेशन करने के लिए। इंटर रिलेशन यानी कि मुझे पता चलेगा कि इन दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिलेशन क्या है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द मेंटेन हार्मनी ऑन अ प्लैनेट अर्थ स्टडी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज द मस्ट। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ये समझना और ये इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म और मराइन हार्मोनी या प्लांट्स के बीच में रखना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम कर सके बायोडायवर्सिटी की स्टडी। 1.7 की इज द टॉक्सिनोमिकल एड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ये जो की है ये एक टॉक्सिनोमिकल एड होता है जिसका यूज होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट और एनिमल्स का। द की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो की है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड है। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट एक्सेप्टेड एंड द अदर रिजेक्टेड। सारे कॉन्ट्रास्टिंग सारे कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स को चूज करना है और बाकी सबको रिजेक्ट कर देना है। द स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड द लेबल। अब जो स्टेटमेंट आप की में रखोगे उसे हम लेबल कहेंगे। द स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड अ लेबल एंड नेचुरली की आर एनालिटिकल इन नेचर। देखिए जो नेचुरल नॉर्मली जो कीज होते हैं नॉर्मल जो कीज है वो एनालिटिकल नेचर के होते हैं। ओके नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट चैप्टर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में। ओके यहाँ पे देखिए क्या आप इस साइंटिस्ट को जानते हैं। ओके ये है डॉक्टर एस पी आघरकर, वन ऑफ द लीडिंग बोटैनिस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के एक बोटैनिस्ट हैं। डॉक्टर एस पी आघरकर वॉज बॉर्न इन
नवंबर 1884, इनका जो बॉर्न है वो नवंबर 84 का है, इन द मेलविन महाराष्ट्र। ही एक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट, इन्होंने वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया। ही अक्रॉस अ स्पीशीज ऑफ द फ्रेश वाटर जेलीफिश, इनको एक वहाँ पे फ्रेश वाटर जेलीफिश मिली, विच वॉज अंटिल देम ओनली नोन टू बी फाउंड इन अफ्रीका। जो ये जेलीफिश मिली, ये माना जाता था ये जेलीफिश सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है, बट इन्होंने ये जेलीफिश वेस्टर्न घाट्स में पाई है। दिस फाइंडिंग वॉज पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जनरल नेचर इन 1912। देखिए, इनका ये काम एक साइंटिफिक जनरल में पब्लिश हुआ था 1912 में। इनका नाम है डॉक्टर आघरकर। डॉक्टर अनंदले एंड सुपर इंटेंडेंट ऑफ द इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता। जो डॉक्टर अनंदले हैं, ये एक सुपर इंटेंडेंट है इंडियन म्यूजियम के लिए जो कोलकाता में है। इन्होंने हेल्प किया है डॉक्टर आघरकर इन हिज फर्दर एंडिवरियस टू कलेक्ट प्रिजर्व एंड कंडक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमिन। ये जो आघरकर है, ये सुपर इंटेंड है इंडिया म्यूजियम के लिए। इन्होंने कोलकाता में हेल्प की थी डॉक्टर आघरकर इन हिज फादर एंड्रियोस। जो इंस्टीट्यूट है ARI पूना में, ये इनके नाम पे रखा गया है। गाइस, आप वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, क्या आप लोग को पता है व्हेन द प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लोकेलिटी आर कंजर्व्ड ऑन द नेम ऑफ द हॉली फ्लेस, इट इज कॉल्ड द स्क्रूड ग्रोव। दिस आर कंसिडर एज द स्क्रूड नेचुरली साइट ऑफ बाय AUCN। देखिए, कोई भी अगर प्लांट है वो फॉरेस्ट लोकेलिटी में है तो उसको कंसीडर किया जाएगा और उसको हॉली प्लेस बोला जाएगा। ये जो स्क्रूड ग्रोथ है, ये कंसीडर करता है एसोसिएटेड नेचुरल बाय नेचर साइट से बाय AUCN। ओके, नाउ नेक्स्ट है, फाइंड आउट, पता लगाना है, ह्यूमन बीइंग इज अ की पोर्शन इन मेंटेनिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ द अर्थ, फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। देखिए, ह्यूमन बीइंग एक मेजर मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी कर सकता है अर्थ पे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करना है। लॉ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे बायोडाइवर्सिटी को इंडिया में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए, जो बायोलॉजिकल एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये एक्ट 2022 में पास किया गया था पार्लियामेंट में। इंडिया टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, भारत को बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है। फैसिलिटेट टू सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद द लोकल कम्युनिटीज। अभी क्या कहा गया है कि इसमें हमें, जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो एक सुटेबल मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी का रिसोर्स बनाएंगे उनके लोकल लेबल्स के साथ। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइक द
कनेक्टिंग रिवर ऑफ द कंडक्टिंग सिटी बाय द कंस्ट्रक्टिंग रोड। देखिए जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है वो रिवर्स को कनेक्ट करने पड़ता है, सिटीज को कनेक्ट करने पड़ता है, रोड बनाते समय पड़ता है। वेरियस इन्वायरमेंटल रिसोर्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय फॉर देयर एम्बिशियस प्रोजेक्ट। बहुत सारे देखिए बहुत सारे वेरियस एन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हैं जिनका यूज होता है डिस्ट्रॉयड फॉर दिस एम्बिटियस प्रोजेक्ट। बहुत सारे अलग अलग एन्वायरमेंटल रिसोर्सेस जिनका इस्तेमाल होगा डिस्ट्रॉय करने के लिए एम्बिटियस प्रोजेक्ट को। ना